गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके बेटा, चलो। आप सबको आवाज़ अच्छी आ रही है? राधे राधे बेटा, आवाज़ सबको अच्छी आ रही है? ठीक है, गुड। आप सबने होमवर्क कर लिया? आप सबने होमवर्क कर लिया है? शायद 40 क्वेश्चन तक ही हो रहा था होमवर्क। कुछ बच्चों ने बताया मेरे को कि रेडबर्ग कॉन्स्टेंट का क्वेश्चन भी था उसमें 54 तक, और कुछ शायद स्पेक्ट्रम का भी एक आध क्वेश्चन आ गया था। कोई बात नहीं, आपने 40 तक कर लिया है तो आपको मुबारक हो। 40 तक आपको क्वेश्चन बनना चाहिए था, ठीक है ना। अब जो भी डाउट आया हो वो आपको डाउट ग्रुप पे डालना है। कहाँ पे डालना है? डाउट ग्रुप पे डाउट डालना है ना, इधर नहीं पूछना है। हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको? मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर डाउट ग्रुप पे दे रहा हूँ, और यदि कभी कोई क्वेश्चन का आंसर ना दूं तो आप वापस से पूछ लिया करो, या फिर उसके बाद मेरे को पर्सनल मैसेज किया करो। नॉर्मली पर्सनल मैसेज मत करो, डायरेक्ट ग्रुप पे क्वेश्चन को पुट करो। अब एक आज एक बच्चे ने डाउट पूछा था ग्राफ को रिलेटेड, तो उसने ये बोला कि सर ये जो ग्राफ है हमको फिजिक्स में पढ़ाया गया है, और वेरी करेक्ट, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना बेटा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ आपको कुछ यूं पढ़ाया गया है, ऐसा है, सही बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पर एन लिखा था कल मैंने, मेक इट एन स्क्वायर। लेकिन मैं एन के साथ भी देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और एन का किस तरीके से रिलेट होगा। चलो उसको भी देख लेते हैं, क्या वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसकी संभावना देख लेते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा लंबा प्लॉट कर देता हूँ, इस ग्राफ को यहाँ से हटा देता हूँ, काम करता हूँ। तो आप चाहें तो अपने कॉपी पे एन स्क्वायर कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी और एन स्क्वायर के बीच जो ग्राफ होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है +13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो मैंने हाइड्रोजन के लिए पूछा था तो ये कॉन्स्टेंट हो जाता पूरा। सो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर को यहाँ ले जाओ, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सबको समझ में आया? दिस विल बिकम एक्स एंड दिस विल बिकम वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बुक में इधर एन लिखा हुआ है, शायद गलती से एन लिख दिया होगा, लेकिन यदि एन लिखा हो तो ग्राफ का नेचर क्या कुछ इस प्रकार का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर कोई परफेक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है या नहीं, इसकी गारंटी तो नहीं की जा सकती है ना। तो पहले तो इसके लिए हो गया, हमने लिख दिया एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यदि एन स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होता तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, है ना। लेट अस ट्राई इट फॉर एन। तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आप अपनी कॉपी में उसको एन स्क्वायर कर लो, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। अब एन के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। और बेटा आजकल क्या हो रहा है, सिर्फ वैदे ही नोट्स भेज रही है, और पहले क्या होता था 6-7 लोग भेजते थे, तो एक आध बच्चा और भेज दिया करो, क्योंकि कभी कभी नोट्स में कुछ इनकम्प्लीटनेस रह जाती है। जैसे आज मैंने देखा था, अच्छा दीपक, अच्छा ओके दीपक भेज देगा आज, मतलब दो दो एक बच्चे, तीन एक बच्चे नोट्स भेज दिया करो। कभी किसी का कुछ इनकम्प्लीट रह गया है तो वो दूसरा वाला उसमें क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। पूर्वेशा आज भेज देगी ऐसा बोला, और योग्या, ओके ठीक है, तीन बच्चों ने बोल दिया है वो भेज देंगे, वैदे ही रोज भेजती ही है नोट्स। चलो अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से बेटा, ठीक है ना, सुनो मेरी बात को ध्यान से। ठीक, देखो क्या होता है कि यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, आपने अच्छे से लिखा है, तो डायरेक्ट ग्रुप पे डाल देना, और जब दो तीन आ जाए तो उसके बाद आप मत डालना, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन रहेगा, फिर कई बच्चे डाल देते हैं नोट्स, है ना, तो उनकी मेहनत बर्बाद जाती है उसमें। तो आप क्या करना, ग्रुप पे पहले चेक कर लेना किसी और ने तो नहीं डाला है। तो दो तीन बच्चों ने यदि डाल दिया हो, लेकिन वही लोग डालना जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, जिन्होंने अच्छे से लिखा है ना। चलो अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, यदि मान लो मैं कुछ इस तरीके से कर दूं, है ना, मेरे पास क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एन। तो इधर मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा और यहाँ पर क्या लिखा, एन, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया एन। इसके रिस्पेक्ट में अपन को ग्राफ प्लॉट करना है, और यहाँ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स क्या हुआ, एक्स हुआ एन, तो ये एन स्क्वायर का हुआ एक्स स्क्वायर हुआ, तो ये हो जाएगा वाई एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन हो गई वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या आपको मैथमेटिक्स समझ में आया? सबसे पहले बोलो
ये वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैथमेटिक्स समझ में आया बेटा, एक्स तो एन है तो यहां पर एन स्क्वायर मतलब ये एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, अब चलो इसकी वैल्यूज को अपन प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि सही आता है कि नहीं आता, देखते हैं। तो वाई एक्सिस पे हमने ले लिया मान लो कुछ, वाई एक्सिस पे ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कुछ इस तरीके 16 वैल्यूज ले लिया, ठीक है ना। और इस एक्सिस पे भी हमने ले लिया मान लो ये वैल्यू है, मान लो ये वैल्यू है 0.25, इतना ले लेते हैं, ये 0.25 ले लेता हूँ किसी भी टर्म में, और इसका 4 गुना 1, 2, 3, 4, इसको 1 ले लेता हूँ, और इस 1 का 1, 2, 3 और 4 ये वैल्यू कुछ इधर आ जाएगी, है ना, इसको 4 ले लेता हूँ, मान लो मानने में क्या आ जाए, है ना बेटा। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब एम एक्स स्क्वायर मान लो इसकी वैल्यू मैंने 16 ली, इसकी वैल्यू मैंने कितनी ली 16 ली, और इसकी कितनी ली 0.25 ली, तो ये कुछ ऐसा जाके इधर लग जाएगा, है ना, ये लग गया। अब कांस्टेंट रखना है, एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रखना है ना, तो m की वैल्यू 16 है और x की वैल्यू कितनी है 0.25 है, ये x की वैल्यू कितनी है 0.25 है, तो 0.25 का स्क्वायर, नहीं ये गलत हो रहा है, 0.25 का स्क्वायर ये गलत हो रहा है, ये और कुछ लेना पड़ेगा हमको, है ना, क्योंकि हमको तो क्या करना है, हमको तो एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेना है। m की वैल्यू मैंने कितनी ली 16 ली, तो इसको 0.25 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर बराबर 1 आ गया, ठीक है ना, चलो 0.25 ले ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू मैंने 4 ली मान लो, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू अब मान लो मैंने 4 ली, तो ये 4 ले ली और यहाँ पे 1 ले ली, तो ये कितना है, ये 4 का स्क्वायर बराबर कितना आया था 1 आया था, है ना, और ये कितना लिया है 4 लिया है, और ये कितना लिया है 1 लिया है, तो यदि 4 लिया है 1 लिया तो नहीं हो पाएगा, तो गलत हो जाएगा, तो कुछ वैल्यूज में और कुछ घोपला करें क्या, इसको 2 ले लें क्या, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाता मान लो 0.5 और 0.5, तो 16 × 0.5 का स्क्वायर में 2, तो ये कितना हो जाता, ये बराबर 4 हो जाता है ना, और फिर एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 करें, तो ये वैल्यू मान लो 4 ले ली, तो इसको 1 ले लेता तो ये 4 हो जाता, और फिर इसकी वैल्यू 1 ले लेता तो इसकी वैल्यू 4 ले लेता, तो ये 4 हो जाता, सही है ना, मैथ समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं। अब देखो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को 16 लिया, इसकी वैल्यू को 0.5 लिया, और इसका स्क्वायर ये बराबर कितना आ जाता, 4 आ जाता, 16 × 0.5 का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर बराबर 4 हो गया। इधर वैल्यू मैंने 4 ली, इधर वैल्यू मैंने 1 ली, मतलब इधर से जाएगा इधर, एक इधर लग गया, और फिर मैंने वैल्यू इधर 1 ली और उधर वैल्यू मैंने 4 ली, तो ये जाएगा तो इधर कहीं पे आएगा। अब इसको यदि यूं ले गया मैं सीधा ग्राफ, तुमको कुछ समझ में आया मैंने क्या किया, तुमको कुछ समझ में आया मैंने क्या किया, आना बोलना पड़ेगा यार, नहीं आया, वेरी गुड। देखो मेरे पास एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये बात तो सबको समझ में आई थी, जल्दी बोलो यार, एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो सबको समझ में आया। मैंने वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू लिया 16 और एक्स स्क्वायर पे मैंने वैल्यू लिया 0.5 मतलब 1/2 का स्क्वायर, है ना, तो ये बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, बोलो हाउ। इस एक्सिस पे मैंने वैल्यू लिया मान लो 4, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट आए, x की वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट आए, क्या 1 होनी चाहिए, इज इक्वल्स टू 4, mx स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है, आना बोलना पड़ेगा यार। अब इसकी वैल्यू को मान लो मैंने लिया 1, तो इसकी वैल्यू को क्या रखूं कि ये कांस्टेंट आए, अच्छा तो ये 4 नहीं रख सकता, 2 रखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, है ना, तो ये 1 है, तो इतना बड़ा इसको ले लिया मैंने कितना 2, इतना बड़ा ले लिया तो कितना हो गया 2,
तो इधर आ गया टू है ना, और अब वन गया, एक सेकंड, ग्राफ में हल्का सा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा लेकिन आएगा मस्त, ठीक है ना। अब कितना हुआ टू, तो एक्स एक्सिस पे कितना लिया, टू लिया, ये वैल्यू वन है तो ये वैल्यू टू हो गई, और वन से मैच किया क्योंकि वाई एक्सिस पे वन था तो इसको ले जा करके यूं इधर आ गया, तब भी ग्राफ कुछ ऐसा ही जा रहा है। आना बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा यार, बोलो एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इस मैथमेटिक्स से जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से आना बोल रहा है। एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या इस मैथ से जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, और उसी की वैल्यूज को मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया है। क्या ग्राफ मुझे कुछ कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा दिख रहा है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, पर जो चार ऑप्शन आपको दिए गए थे उन चार ऑप्शन में इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना ये एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, समझ में आ गई बात सब लोग को। तो इसलिए उस क्वेश्चन में भी कोई गलती नहीं है सच, लेकिन वो आपके नॉर्मल ग्राफ को सूट नहीं कर रहा था, बस बात ये थी बेटा। जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन पूछा था उसको बात समझ में आ गई और बाकी बच्चों को बात समझ में आ गई क्यों ये सही है, क्योंकि फिजिक्स में आपने ये ग्राफ नहीं पढ़ा है। फिजिक्स में क्या नॉर्मली ये ग्राफ पढ़ते ही नहीं है लोग, आप ग्राफ देख लो, नॉर्मली ये ग्राफ आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, मैंने उसको प्लॉट करके आपको दिखाया मैथमेटिकली कि जो बुक में दिया हुआ है वो एज सच गलत नहीं है, वो एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा लेकिन कुछ कुछ उसके जैसा होगा, और चार गिविन ऑप्शन में से एक ही इसके जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए वो आंसर या क्वेश्चन करेक्ट है, उसमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। हो गया बेटा, हो गया बेटा, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं। चलो पर अच्छी बात है आप लोग पूछते हैं, आपने मेरे से पूछा था ये क्वेश्चन पर्सनल चैट पे पूछा था, डाउट ग्रुप पे नहीं पूछा था, है ना। मैं हरदम इस बात को मतलब ज्यादा प्रमोट करता हूँ, डाउट ग्रुप पे क्वेश्चन पूछो, उससे डिस्कशन होता है, और आपको एक बताऊं उसमें टीचर आपको घुमा भी नहीं सकता ज्यादा, क्योंकि सब बच्चे देख रहे होते हैं, सब बच्चों का दिमाग चल रहा होता है ना। जैसे टीचर ने घुमा दिया बच्चे को, थोड़ा सा बहला दिया तो दूसरा बच्चा पकड़ लेगा, तो वो क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर ये गलती हो गई आपसे, जैसे मैंने कल कोई क्वेश्चन कैलकुलेट किया था और वहां दो लिखना भूल गया था, याद करो बेटा, एल्युमिनियम में, है ना। फिर किसी बच्चे ने वो बताया कि सर आप ये दो लगाना भूल गए और मैंने आंसर में चेंज कर दिया। यदि एक सिंगल बच्चे ने, जिस बच्चे ने डाउट पूछा था वो तो एग्री हो गया था, बोला हाँ सर सही है। तो इसलिए बेटा डाउट ग्रुप पे क्वेश्चन हमको पुट करना है, और मेरा आपसे फिर से एक बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज सबसे पहले आप, सबसे पहले आप को क्या करना है, अच्छे से वो थ्योरी पढ़नी जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको वो थ्योरी हल्की सी भी कम समझ में आई है तो कृपया करके वापस से वीडियो लेक्चर को ऑन करो और स्पीड में उसको देख लो। यदि समझ में पूरा आ गया है तो भी आप एक बार स्पीड में उसको देख लिया करो, सवाल पे आके पॉज कर दिया करो और सवाल को खुद सॉल्व किया करो। थ्योरी तो आपको पता है, आपके पास कॉपी पे भी लिखी है। तो पहला काम क्या करना है बच्चों, पहला काम ये करना है हमको कि सबसे पहले हमको अपनी क्लास अटेंड करनी है, क्लास अटेंड करने के बाद में हमको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, नोट्स रिवाइज करने के बाद में, नोट्स रिवाइज करने के बाद में हमको क्या करना है, उसकी थ्योरी को एक बार अच्छे से वो वीडियो लेक्चर खोल करके एक बार फास्ट स्पीड से उसको देख लेना है, सवाल जैसे ही आए वैसे ही उसको पॉज कर देना और पॉज करके हमको उसको वापस से सुन लेना है, ठीक है बेटा, आई होप सो। और सवाल खुद ही सॉल्व करने हैं, ठीक है ना बेटा। जब मैंने आपको, नहीं आपको ई सोल्यूशन की जरूरत क्या है, मैंने तो आपको डायरेक्ट सोल्यूशन सारे दे दिए हैं, मैंने बेटा सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन दे चुका हूँ। कोई बच्चा आज ग्रुप पे वापस डाल देना, पूरे मॉड्यूल के सोल्यूशन दे चुका हूँ इंक्लूडिंग एवरी बीबी, ठीक है। किसी बच्चे के पास है पूरा सोल्यूशन जो मैंने डाला था ग्रुप पे, है खुशी आपके पास है, नहीं तो किसके पास है पूरा सोल्यूशन चैप्टर प्लस बीबी का, समर्थ आपके पास है, आपके पास है समर्थ, आप क्या करना उस सोल्यूशन को, जिसके पास है वो सोल्यूशन को डाल देना काय पे, अपने डाउट ग्रुप पे, है ना। मैंने डाला था वो सोल्यूशन, यदि किसी के पास नहीं है तो आप बोल देना मैं
डाल दूंगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सुनो, कल तक हम कुछ बातें पढ़ चुके हैं, आज हमें नया टॉपिक पढ़ना है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, कुछ बातें समझते हैं। जैसे मानो बेटा कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ प्रेजेंट है। मान लो हाइड्रोजन एटम, मान लो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। कोई फोटोन ऑफ लाइट आया, इसने उसको एब्जॉर्ब किया, इसको एब्जॉर्ब किया और ये ऊपर के लेवल पे जाएगा। परंतु ये तभी ऊपर जाएगा जब फोटोन ऑफ लाइट में जो एनर्जी है वो मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, क्योंकि ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो एनर्जी इन दोनों का डिफरेंस 10.2 का आया। तो यदि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया तो ये इसको एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा। यदि 10 का भी आया, 10.2 है ना, यदि 10.1 का भी आया तो ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, इफ इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन गेन्स फोटोन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट गेन्स एनर्जी इक्वल टू टेन पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विल इट मूव अप और विल इट टेक एनर्जी और नॉट, है ना, या मूव अप। सॉल्यूशन, नो नो, एट लीस्ट फोटोन ऑफ मूव अप द लेवल, मूव अप द लेवल, नो एट लीस्ट फोटोन ऑफ, नो एट लीस्ट फोटोन ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शैल बी गिवन फॉर दिस, शैल बी गिवन फॉर दिस। 10.2 से नीचे एनर्जी का हुआ तो वो फोटोन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन 10.2 इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सेप्ट एनर्जी। ठीक है, यदि ये फोटोन 10.5 का हुआ तो क्या होगा, तो वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके ऊपर चला जाएगा। ठीक है बेटा, जितना रिक्वायर्ड है 10.2 की एनर्जी लेके ऊपर चला जाएगा और फिर नीचे आएगा सब्सिक्वेंटली, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आप ये बात समझ गए बेटा, कम से कम एनर्जी जो इसको दी जा रही है इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ठीक, बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है, यहां तक सब लोग क्लियर है, वेरी गुड। अब सोचो बेटा, ये थर्ड लेवल है, दूसरी एनर्जी कौन सी ले सकता है वो इसके अलावा? या तो 10.2 की एनर्जी लेगा या वो एनर्जी लेगा 13.6 माइनस 1.51, मतलब 12.09 इधर जाने के लिए। इन दोनों में डिफरेंस 12.09 का है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10.2 का है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। क्या बात क्लियर है बेटा? तो या तो वो एनर्जी लेगा 10.2 की या 12.09 की या 12.75 की, एंड सब्सिक्वेंटली सो ऑन, एंड सब्सिक्वेंटली सो ऑन।
क्या सबको बात यहां तक क्लियर है? हाँ ना बोल दो बेटा, क्या सबको बात यहां तक क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद ऊपर लेवल पे जाता है, आफ्टर इलेक्ट्रॉन गेन्स सफिशियंट एनर्जी, इट मूव्स टू दी अपर लेवल, इट मूव्स टू द अपर लेवल बट सिंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोर इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, इट कम्स डाउन। Either in steps or in one go। अब मैं ये मतलब आपको समझाऊंगा, इसका मतलब क्या है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो स्टेप्स में नहीं जाता है, एक ही बार में ऊपर जाता है। एक फोटोन लेगा, वन से टू पे जाएगा या वन से थ्री पे जाएगा, ऐसा नहीं करेगा वन से टू पे जाए और थोड़ी देर बाद टू से थ्री पे चला जाए, क्योंकि इसके पहले टू से थ्री पे जाए उससे पहले टू से वन पे वापस आ जाएगा। तुम लोग मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो वो एक साथ मूव करता है ऊपर की तरफ, वन से टू जाएगा या वन से थ्री या वन से फोर या वन से फाइव या वन से सिक्स या वन से सेवन, ऐसे नहीं जाएगा वन से टू गया थोड़ी देर रुका चाय वाई पी, उसके बाद टू से थ्री पे कूद गया, फिर चाय वाई पी, थ्री से फोर पे कूद गया, क्योंकि इतनी देर में वो नीचे वापस कूद जाएगा, वो ऊपर टिकेगा नहीं क्योंकि ऊपर स्टेबिलिटी नहीं है। इट इज लाइक दैट। क्या बात क्लियर है मैडम? ठीक है ना, बोलो हो, बोलो हो। 9.99 देंगे तो भी नहीं लेगा बेटा, जब 10.1 नहीं ले रहा तो 9.99 भी लेगा। ठीक, क्या सबको बात समझ में आ रही? लेकिन जब वो नीचे आएगा, जब वो नीचे आएगा तो वो एक साथ भी कूद सकता है या एक एक करके भी कूद सकता है। जैसे आप सीढ़ियों को नीचे उतरते हो, आप कभी अपने स्कूल की सीढ़ियों से नीचे उतरे होंगे तो कुछ बच्चे चार पांच सीढ़ी एक साथ ही कूद जाते हैं और कुछ बच्चे एक एक करके कूदते हैं, कुछ बच्चे दो सीढ़ी कूदते हैं फिर तीन कूदते हैं फिर चार कूद जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन एक्सपीरियंसेस। आई होप सो, बहुत सरल बात थी, मैंने आपको समझा दी। बोलो हाउ? तो जाते समय इकट्ठा जाएगा, जाते समय इकट्ठा जाएगा, या तो ग्राउंड स्टेट से सीधा फर्स्ट लेवल पे जाएगा, या ग्राउंड स्टेट से सीधा सेकंड फ्लोर पे जाएगा, या ग्राउंड लेवल से सीधा थर्ड फ्लोर पे जाएगा, लेकिन आते हुए वो मल्टीपल स्टेप में आ सकता है। बोलो हाउ? बोलो हाउ? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल सही है बेटा। जाना लिफ्ट से है और आना सीढ़ियों से है, ऐसा समझ लो। ठीक है ना, सीधा इधर से उठा के उधर रख दिया, जैसे लिफ्ट बीच में नहीं रुकती है, सीधी जाके एक लेवल पे रुकती है। ठीक है ना, चलो इसको नोट कर लो। ऊपर स्टेबिलिटी नहीं है बेटा, कहीं से एनर्जी मिली तो वो एनर्जी प्राप्त करके ऊपर चला गया, लेकिन फिर जैसे ही वो एनर्जी का सोर्स तो खत्म हो गया, इतनी एनर्जी उसने ऊपर जाने में लगा दी, एनर्जी खत्म, अब वापस नीचे आएगा और एनवायरमेंट में वो एनर्जी छोड़ देगा। आपको तो पता है जब वो नीचे आता है तो वो फोटोन ऑफ एनर्जी को इवॉल्व करता है। बोलो हो? जब वो नीचे आता है तो वो फोटोन ऑफ एनर्जी को इवॉल्व करता है। बोलो हो? बात आई समझ में? और उसका जो लैम्डा होता है वो होता है 1242 टक्लू डिवाइडेड बाई डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो हो? लैम्डा निकाल लेते हो ना, निकाल लेते हो कि नहीं निकाल लेते? निकाल लेते हो। अब इसको नोट करो, उसके बाद आगे समझाते हो। इसको नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट, नोट कर लिया सब बच्चों ने, है ना? अब देखो क्या होगा इसके बाद। इसके बाद मैंने कहा उसने एनर्जी ली और ऊपर की तरफ चला गया, जब नीचे की तरफ आया तो वो एनर्जी को इवॉल्व करेगा, या तो एक स्टेप में आ सकता है या कई स्टेप्स में आ सकता है। और वैसे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो कई स्टेप में आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वहां सिचुएशन ज्यादा बन रही है।
हाँ बेटा चल, मैं क्या कह रहा हूँ वो आप बात को समझना। मैं कह रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे लेवल पे कूदता है बेटा, नीचे से ऊपर चला गया, ये बात तो आपको समझ में आई, बोलो हाँ ये बात तो आपको समझ में आई। लेकिन एक बार ऊपर चला गया उसके बाद नीचे आया, बहुत सारे लेवल नहीं बनाता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इतने सारे लेवल्स में। मैं तीन ही लेवल रहने देता हूँ फिलहाल के लिए, फिर बढ़ाऊंगा। मान लो थर्ड लेवल पे पहुंच गया तो वापस किस तरीके से आ सकता है? या तो इधर से डायरेक्ट आ सकता है, बोलो हाँ, या इधर से इधर आ सकता है पहले और फिर इधर से इधर आ सकता है। क्या सबको बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, आ रही बात समझ में? अच्छा ठीक, जब इधर से इधर आया तो इस एनर्जी लेवल को मैंने E3 बोला, इसको E2 बोला और इसको E1 बोला। ठीक, मुझसे एक बात पे एग्री होना यदि हो पाओ तो। मैं बोलता हूं E3 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा E3 to 1 इज इक्वल टू डेल्टा E3 to 2 प्लस डेल्टा E2 to 1। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? डू यू एग्री विथ मी और नॉट? यस, मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ। सोच, 1 और 3 लेवल के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है, यदि हाइड्रोजन एटम है, इफ एग्जाम्पल इज ऑफ हाइड्रोजन एटम, सपोज इफ अबव एग्जाम्पल इज ऑफ हाइड्रोजन एटम, 3 और 1 के बीच का डिफरेंस 12.09 डेल्टा E3 to 1 इज इक्वल्स टू 2 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा E, पहले 3 और 2 के बीच का डिफरेंस निकालना, तो वो डिफरेंस कितना आएगा? 3.1.89 और समथिंग लाइक दिस, 3.4 माइनस 1.51, 1.89। दिस इज 1.89 विच इज डेल्टा E 3 to 2 प्लस 10.2 विच इज डेल्टा E 2 to 1। इन दोनों को सम करो तो यही आएगा, मैंने प्रूफ भी कर दी। बोलो हाँ, बोलो हाँ, क्लियर है? आप एक स्टेप में आओ तो भी एनर्जी उतनी होगी, और आप मल्टीपल स्टेप में आओ तो भी एनर्जी उतनी ही इवॉल्व होगी। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही सब लोग को? बात समझ में आ रही सब लोग को? वेरी गुड। यदि मान लो आप, मैं ये बोलूं ये बात सही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इस दौरान जो लैम्डा बाहर निकला उसका नाम मैंने रखा लैम्डा 3, इस दौरान जो लैम्डा निकला उसका नाम रखा लैम्डा 1, और इस दौरान जो था वो लैम्डा 1 था और ये लैम्डा 2 था। ये लैम्डा क्या है? जब ये इधर से इधर कूदेगा तो एक फोटोन ऑफ एनर्जी इवॉल्व होगा जिससे एसोसिएटेड एक वेवलेंथ होगी। बोलो हो, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे लेवल पे कूदता है तो एनर्जी को इवॉल्व करता है, उस एनर्जी जो इवॉल्व होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में इवॉल्व होती है। डिडंट अंडरस्टैंड तनिषा बेटा? यदि पुराना पढ़ोगे तो 100% समझ जाओगे। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदता है तो एनर्जी को इवॉल्व करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, एंड दैट इज एसोसिएटेड विद अ वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ बराबर होती है व्हेन अ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल। 27 तारीख को आपका वापस से टेस्ट है, मैं आपको बता दूं, और पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें आएगा। हाँ, इमिट ही तो होगा बेटा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो इमिट होगा लैम्डा। व्हेन अ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल इट इमिट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो इन फॉर्म ऑफ फोटोन ठीक है।
और ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेम नहीं होता है, लेकिन दे फोटोन आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऐसा आप बोल सकते हो। तो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एंड इट्स एनर्जी इज गिवन बाय एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा और डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 12420 डिवाइडेड बाई लेमडा इन एमस्ट्रॉन्ग। बताया था कि नहीं बताया था, बोलो मेरे भाई, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना, है ना, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो यही लेमडा की मैं बात कर रहा हूं, ये जो लेमडा एसोसिएटेड, जब थर्ड लेवल से वन लेवल पे कूदेगा तो जो भी एनर्जी का डिफरेंस आएगा तो उससे एसोसिएटेड एक वेवलेंथ होगी, एक लेमडा होगी, और लेमडा बराबर हो जाएगा देयरफॉर लेमडा इन एमस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12420 डिवाइडेड बाई डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब चीजें वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो मेहनत कर रहा है। जो मेहनत नहीं कर रहा है उसका कुछ नहीं हो सकता, नहीं टेस्ट में मोल कंसेप्ट नहीं आएगा, यहां पर ध्यान दो। चलो क्या बात क्लियर है भाई, बहुत सरल बात है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदता है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदता है तो वो एनर्जी को इवॉल्व करता है, एनर्जी को इवॉल्व करता है इन फॉर्म ऑफ फोटोन जिसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जुड़ा हुआ है, जिसकी अपनी एक वेवलेंथ होती है, और जो वेवलेंथ होती है, जो फोटोन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है, वो वेवलेंथ होती है लेमडा इज इक्वल टू लेमडा इन एमस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12420 डिवाइड बाई डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो, और लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई डेल्टा ई। यूनिट का खेल है पूरा, यदि एच की वैल्यू आपने जूल सेकंड में रखी है तो डेल्टा ई भी जूल में रखना पड़ेगा, और सी 3 × 10⁸ रखोगे। वैसे एच सी एमकेएस यूनिट में 2 × 10⁻²⁵ होता है, तो आप डेल्टा ई की वैल्यू यदि जूल में रख दो तो डायरेक्टली लेमडा इन मीटर आ जाएगा। लेकिन ये लेक्चर में बार बार कब तक रिवाइज करूं, हाँ यही मैं कह रहा हूं, ये पहले भी हो गया है तो इतना आपको याद है ना, सब लोगों को जो पहले पढ़ा दिया वो याद है, तो सब लोग को बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन यदि याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। क्लियर ना थी बात, प्लैंक में हो गया, उसके पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी पढ़ा दिया था, ठीक है ना, एक लैम्डा एसोसिएटेड होगा। अब आप देखना, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं डेल्टा ई 3 to 1, इसके साथ एसोसिएटेड लैम्डा, लैम्डा 3 लिखा है, इज इक्वल टू डेल्टा ई 3 to 2 प्लस डेल्टा ई 2 to 1। क्या मैं इसको लिख सकता हूं एच सी बाई लेमडा 3, बोलो हाउ, इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा 2 प्लस एच सी बाई लेमडा 1। बोलो 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 बोलो, क्या डेल्टा ई 3 to 1 को एच सी बाई लेमडा लिख सकता हूं, लेमडा 3, बोलो। तो मैं एच सी काट दू, आई विल हैव 1/λ3 इज इक्वल्स टू 1/λ2 प्लस 1/λ1। इसका एलसीएम ले लो आप, जब एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, लेमडा 2 लेमडा 1, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इज इक्वल्स टू 1/λ3, देयरफॉर ऑन सॉल्यूशन लेमडा 3 विल बिकम इक्वल टू लेमडा 2 लेमडा 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। आई होप सो, इसके आगे का मैथ्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 1/λ3 इसके आगे का मैथ्स बताने की जरूरत है क्या ये वाला, या तुम लोग खुद ही इतनी जिम्मेदारी ले लोगे कि इसके आगे का मैथ्स एलसीएम निकाल के आप कर सकते हो। यदि इसके आगे का मैथ्स नहीं आता है तो फिर भाई गड़बड़ है जीवन में, मतलब 10th 9th का मैथ्स नहीं आता है। ये कर लोगे 1/λ3 इज इक्वल टू 1/λ2 प्लस 1/λ1 इज इक्वल टू, सॉल्व हो जाएगा ना। चलो भाई, तो आपको क्या करना है, आपको इस पूरे को अब उतार लेना है, ठीक है ना, और
यदि किसी को कम समझ में आए तो कृपया करके वापस लेक्चर देखो, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए चीजें। कहाँ से देखने की जरूरत है यदि किसी को कम ही आए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। लेक्चर को फास्ट करो और ठट 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 उसको देखना चालू करो, क्योंकि इसका मतलब आप पुराना भूल गए, मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ। चलो भाई जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। अच्छा एक बात और यही समझना आप, क्या मैं यहाँ पे एक बात और लिख सकता था? मेरे पास नीचे जगह खाली है तो मैं इधर खाली जगह में ही उसको बना देता हूँ, है ना? ये जो जगह खाली है ना, इधर इधर बना देता हूँ। तो क्या बेटा मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता था, आप मुझे बताना। H(nu3) = H(nu2) + H(nu1) बोलो हाउ, बोलो हाउ। डेल्टा ई थ्री टू वन इसके एसोसिएटेड ही फ्रीक्वेंसी में ले लो। एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, जो कि बराबर एच न्यू के भी तो होती है बेटा, जो कि बराबर एच न्यू के भी तो होती है, सही है ना? एच 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 कट गया, एच हमारा एच को, हमारा एच को टी हो जाएगा। nu3 = nu2 = nu1, ये भी एक इक्वेशन आ सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको पता होना ही चाहिए और बहुत जरूरी है। कृपया करके इसको आप नोट कर लें और अपने मन मंदिर में बसा लें। पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आज दोबारा तिबारा पढ़ा रहा हूँ। इसी से अब कनेक्ट करूंगा मैं स्पेक्ट्रम को। ओके बेटा, ओके बेटा, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ लेमडा से भी कर सकते हो, ओके। सर एच सी बाई लेमडा के लेफ्ट में क्या लिखा है? कौन से वाले की बात कर रहे हो? ये और होगा, ये इट्स एनर्जी, एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, है ना बेटा? और नोट्स में देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम कहाँ से आया शब्द। अब ये बात आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर चला जाता है और जब लौटता है तो वो कई स्टेप्स में लौट सकता है, ठीक है ना? अब बेटा जो स्पेक्ट्रम होता है, इसमें एक स्पेक्ट्रम होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, और एक स्पेक्ट्रम होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में भी दो हो सकते हैं हमारे पास, एक कंटिन्यूअस हो सकता है और एक डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। डिसकंटिन्यूअस में भी दो टाइप के हो सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो सकता है और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम हो सकता है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जनरली गैसेस में देखने को मिलता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम सीन जनरली फॉर सॉलिड्स और वेरी डेंस गैसेस, बहुत ज्यादा डेंस गैसेस में। पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं एक एक करके आपको समझाता हूं ये स्पेक्ट्रम क्या होते हैं।
आपको पहले इसको लिख लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा? अब चल, एब्जॉर्प्शन के टाइप अभी जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, है ना? नॉर्मली एब्जॉर्प्शन में हमको डिसकंटिन्यूअस ही मिलेगा, मिटा रहा हूं इसको, है ना? अब सबसे पहले मैं आपको इमिशन स्पेक्ट्रम समझाता हूं क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। कोई भी सोर्स है जो कि एनर्जी को इमिट कर रहा है, जैसे कि सन है, एक जलता हुआ हीटेड बल्ब जिसके लिए आप, हो सकता है अंग्रेजी का शब्द इनकैंडिसेंट सुनो, जिसका मतलब है गर्म, तपता हुआ, मान लो बेटा आपके पास क्या है, सन है। अब सन मेनली काय का बना हुआ है, हाइड्रोजन, है ना, ये सब चीजों का बना हुआ है। तो हम देखेंगे, मान लो मेरे पास क्या है, सन है। अब सन क्या करता है कि हर वेवलेंथ को इमिट करता है, लगभग लगभग। क्यों करता होगा ऐसा? क्योंकि सॉलिड है, पहली बात तो सॉलिड का मतलब एटम्स की संख्या कितनी होगी, अरबों खरबों एटम्स की संख्या होगी, बोलो हो, होगी ना? सन है, एटम्स की संख्या कितनी होगी बेटा, अरबों खरबों संख्या होगी एटम्स की, है ना? अब क्या हुआ कि जब अरबों खरबों संख्या है तो किसी एटम में एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता होगा इस लेवल पे, किसी दूसरे वाले में एनर्जी लेके इस लेवल पे, किसी और एटम में इस लेवल पे चला गया, किसी और एटम में इस लेवल पे चला गया, और जब वो वापस आएगा, जब वो वापस आएगा तो वो बहुत सारी एनर्जी को इवॉल्व करेगा डिफरेंट। और सिर्फ ये जरूरी तो नहीं है, ये जरूरी तो नहीं है सिर्फ एक ही टाइप का मटेरियल हो, और भी मटेरियल हो सकते हैं सन। बोलो 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 बोलो। तो जो सॉलिड चीज है, क्योंकि वहां पे एटम्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, एटम्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्साइटेशन मिलेंगे। और जब वो नीचे आएंगे, और जब वो नीचे आएंगे तो बहुत सारा वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ हमको दिखाई देगा। बोलो हो, जब वो नीचे की ओर आएंगे तो बहुत ज्यादा वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ हमको दिखाई देगा, ठीक है ना? तो एक्चुअल क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम दिखता कैसे है, पहले उसको भी समझा जाए कि दिखता कैसे है। एक्चुअल क्या होता है कि मेरे पास में ये एक मान लो एटम है, इसमें फोर्थ लेवल पे इलेक्ट्रॉन को या थर्ड लेवल पे इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दिया, फोर्थ आते ही ना परमिटेशन कॉम्बिनेशन बढ़ जाते, तो क्या हो सकता है, ये या तो ये वाला लैम्डा इवॉल्व हो सकता है इसमें, है ना? दो एटम ले लेते हैं अपन, ये एक एटम है, एक और एटम ले लेते हैं, और इसमें भी थर्ड लेवल पे इलेक्ट्रॉन है, इसमें डायरेक्ट इधर से इधर आया, और इस वाले में डायरेक्ट उधर के इधर से इधर आया, ठीक। तो इसमें लैम्डा थ्री इवॉल्व हुआ, इसमें लैम्डा टू इवॉल्व हुआ, इसमें लैम्डा वन इवॉल्व हुआ, ठीक। और ये रेडिएशन जो है यहां से इवॉल्व हुआ, जब ये प्रिज्म से क्रॉस करेगी और इसको यूं आया है ना, प्रिज्म से क्रॉस किया, तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म क्या करता है, जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, जब वेव इधर से क्रॉस करती है, प्रिज्म से रेज क्रॉस करती है ना बेटा, क्या आप लोग याद है, रेज आती है प्रिज्म पे पड़ती है, फिर स्पेक्ट्रम बनता है, सुना होगा ना, सुना होगा ना? अच्छा, कौन याद करके बताएगा? जब स्पेक्ट्रम बनता है तो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कौन सा कलर होता है और ऊपर की तरफ कौन सा कलर होता है? नीचे की तरफ वायलेट कलर होता है, मतलब जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा उसको प्रिज्म उतना ही नीचे की ओर डेविएट कर देगा। बोलो हाओ, बोलो हाओ, हाओ हाओ हाओ। अब सोचो, यदि ये लैम्डा थ्री है और ये लैम्डा टू, ये लैम्डा वन, क्या ये कंटिन्यूअस है, इनकी एनर्जीज एसोसिएटेड इनकी कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि एक की डिफरेंस 12.09 का आ रहा है,
एक का डिफरेंस जो है वो 1.89 का आ रहा है, एक का डिफरेंस 10.2 का आ रहा है, तो कंटिन्यूअस तो नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है ना, डिसकंटिन्यूअस है ना बेटा, क्योंकि अभी सिर्फ दो एटम, सिर्फ अभी दो एटम। यदि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम हो जाए, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स हो जाए, तो अब हम कंटिन्यूअस दे सकता है दिखाई, ठीक है ना। सोचो अब क्या होगा, ये मैंने तीन बना दिए यहाँ पे। अब आप मुझे बता सकते हो, क्या आप कह सकते हो ये लैम्डा वन के लिए होगा, ये लैम्डा टू के लिए होगा, ये लैम्डा थ्री के लिए होगा? बोलो हाओ। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको नीचे ज्यादा झुका दिया, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको नीचे ज्यादा दिखा दिया, ठीक है बेटा। यदि हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ पड़ेगी तो क्या हमको कलर के रूप में दिखाई देगी? यदि हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में पड़ेगी तो क्या कलर के रूप में दिखाई देगी? बोलो हाओ। कलर के रूप में देगी दिखाई कि नहीं देगी? बिल्कुल देगी दिखाई। बस यही कंसेप्ट है स्पेक्ट्रम का। अब जो सन से रेज आती हैं, उनमें लगभग लगभग हर वेवलेंथ होती है जो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल करती है, उसके ऊपर भी उसके नीचे भी। क्या आपने मेरी बात को सुना है? जल्दी बोलो बेटा। हाँ, लेमडा थ्री वायलेट वाला होगा, लेकिन इस एग्जाम्पल में वायलेट ही जरूरी नहीं है, लेकिन सन वाले में सबसे नीचे जो आ रहा है वो वायलेट होगा, उसके नीचे भी होगा वो अल्ट्रा वायलेट होगा, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में वो नहीं आता है बेटा। सन से क्या सिर्फ विजिबल लाइट आती है, या सन से अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती है? अल्ट्रा वायलेट भी आती है ना बेटा, ऊपर की ओजोन लेयर उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, याद करो याद करो याद करो याद करो। तो जब हम स्पेक्ट्रम देखेंगे तो हमें तो सिर्फ कलर ही देगा दिखाई। तो सन से या कोई हीटेड ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि कोई हीटेड रॉड है, इनसे लगभग लगभग हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम की हर वेवलेंथ बाहर निकलती है। आपको हाना बोलना पड़ेगा जल्दी से, आपको हाना बोलना पड़ेगा जल्दी से भाई। तो जो सन से रेज आ रही हैं, किसी हीटेड ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, किसी हीटेड बल्ब से, कोई बल्ब है जो ग्लो कर रहा है, कोई हीटेड रॉड है जो ग्लो कर रही है, वो लगभग लगभग विजिबल स्पेक्ट्रम की हर वेवलेंथ इवॉल्व करती है। अब वो वेवलेंथ कैसे इवॉल्व करती है, उसका फंडा क्या है, वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि उन सब में होते हैं एटम, और एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर जाते हैं, जब वो नीचे आते हैं तो वो एनर्जी को इवॉल्व करते हैं, उससे एसोसिएटेड जो लैम्डा होता है, यदि वो विजिबल स्पेक्ट्रम में पड़ा तो हमको यहाँ पर प्रिज्म के सामने वो दिखाई देगा। व्हाई वी नीड टू हीट दैट? बेटा बिना एनर्जी के ऊपर कैसे ले जाएगी बेटा इलेक्ट्रॉन को? बोल बेटा, बिना एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को ऊपर कैसे ले जाएगी बच्चे? दैट इज व्हाई वी नीड टू हीट। सर लैम्डा थ्री की वैल्यू इज मोस्ट, क्या मोस्ट? कुछ नहीं मोस्ट, कुछ नहीं मोस्ट, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है मोस्ट फोस्ट, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है ये, बस ये है, तो इसको सबसे ज्यादा नीचे झुकाया गया। अब बेटा हो गया, मैं बहुत बेस से समझा रहा हूँ, बहुत क्लियर कर रहा हूँ आपको, एक एक बात समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप स्पेक्ट्रम देख लो, वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, डायरेक्ट जो है इधर उधर की बातें करने लग जाएंगे, बेसिक बात कोई नहीं करना चाहता, रीजन उसका ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है मॉड्यूल में, तो हम क्यों इसको डिस्कस करें, ठीक है। रेड की एनर्जी कम होती है बेटा, वायलेट की एनर्जी ज्यादा होती है, यदि आपको नहीं पता है तो अभी सीख लो, ठीक है बच्चे। रेड की एनर्जी कम होती है, वायलेट की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक। ओके, जिस बच्चे ने सवाल पूछा था सर पर रेड की एनर्जी ज्यादा होती है, तो मैंने बता दिया आपको, रेड की एनर्जी कम होती है बेटा और वायलेट की एनर्जी ज्यादा होती है। चलो, तो आपको बेसिक फंडा समझ में आया स्पेक्ट्रम का, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों बनता है वो बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब सोचो क्यों सॉलिड्स के केस में मैंने बोला आपसे कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि सॉलिड के केस में जो एटम है, जो सॉलिड के केस में एटम है, उनकी संख्या कितनी है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स है। बोलो आओ, तो क्या हमें एनर्जी लेवल और मटेरियल भी अलग अलग हो सकता है जिससे वो बना हुआ हो? तो हमें इस बात की बहुत प्रोबेबिलिटी है, बहुत प्रोबेबिलिटी है। प्रिंस ही प्लीज स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चन, रेड कमिंग इज रेड, क्या बोल रही हो तुम? नाउ लिसन टू मी केयरफुली, एंड व्हाट एवर क्वेश्चन इज देयर पुट दैट ऑन द डाउट बोर्ड इफ आई एम नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन। नाउ या तो क्वेश्चन अच्छे से पूछो, अंग्रेजी में क्या लिखा हो रेड कमिंग इज रेड, उसका क्या मतलब होता है? नाउ ध्यान दें सभी लोग, क्या सबको इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई? मनुष्य बेटा अभी बंद कर दो क्वेश्चन, प्लीज बंद कर दो क्वेश्चन, आप वो सुनो जो मैं कह रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लो, आपका कल्याण हो जाएगा। प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें,
जिससे मैं आपको अच्छा पढ़ा पाऊं, काम का पढ़ा पाऊं। समझ रहे हैं बात को? क्या सबको इतनी बात समझ में आ गई? जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की ओर कूदता है तो वो एनर्जी को इवॉल्व करता है, उस एनर्जी से एसोसिएटेड, उस एनर्जी से एसोसिएटेड एक लैम्डा होता है, एक वेवलेंथ होती है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। जब सॉलिड स्ट्रक्चर होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ वो इवॉल्व करेगा यदि उसको हमने खूब सारा हीट कर दिया। हीट क्यों किया? क्योंकि बेटा एनर्जी देनी पड़ेगी तभी ना इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो उसको जब हम हीट कर देते हैं अच्छे से, सुन रहे हो सब लोग मेरी बात को? सुन रहे हो सब लोग मेरी बात को? एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने बल्ब लगा दिया, इसकी सर्किटिंग कर दी वायर के द्वारा। मुझे नहीं पता ये सर्किटिंग मैंने सही करी है कि नहीं करी है, क्योंकि मुझे सर्किटिंग तो आती नहीं है, लेकिन मैंने ये बल्ब लगाया, इसकी सर्किटिंग कर दी है वायर के द्वारा। ठीक है बेटा, मैंने इस बल्ब को, मान लो, सुन रहे हो ना सब लोग, 20 वोल्ट दिया। ठीक है, तो इसका फिलामेंट आप देखना, कोई कलर आपको नहीं देता दिखाई। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर कोई एनर्जी नहीं दी गई है। अरे तुमने यदि वोल्टेज दिया है मतलब करंट दिया है, करंट दिया मतलब एनर्जी दी, जब एनर्जी जाएगी तो वहां के इलेक्ट्रॉन्स को हिलाएगी। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल, जिस मटेरियल का फिलामेंट बना हुआ है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर लेवल पे गया ही नहीं, क्योंकि मिनिमम एनर्जी सप्लाई नहीं की। या ये भी हो सकता है कि यदि मिनिमम एनर्जी जो सप्लाई की वो इंफ्रारेड रीजन में फॉल कर रही तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। बोलो हाओ, बोलो हाओ। टंगस्टन का बना है मान लो, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसकी एनर्जी को थोड़ा और बढ़ाया, 20 वोल्ट से मैंने उसको उठा के मान ले 30 वोल्ट कर दिया, तो ये मेरे को रेडिश टाइप का दिखाई देगा। बोलो हाओ, कैसा दिखाई देगा? हल्का रेड टाइप का दिखाई देगा। मैंने वोल्टेज के नॉब को घुमाया, वोल्टेज के नॉब को घुमाया। एक बच्चे ने पूछा व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी एट 20 वोल्ट। या तो बेटा वो एनर्जी ले गई नहीं, या वो सिर्फ ऑसिलेट करेगा अपनी जगह पे। एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा, उसने बोला सर जब एनर्जी दी गई है, बेटा सब लोग ध्यान से सुनो, शायद समर्थ ने पूछा, उसने बोला सर जब एनर्जी दी गई है तो उस एनर्जी का हुआ क्या? उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ऊपर तो गया नहीं, तो उस एनर्जी से उसने किया क्या? बोलो, वेरी जेन्युइन क्वेश्चन एंड वेरी मतलब गुड क्वेश्चन। बच्चा पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? वो ये पूछेगा ना सर कि 10.2 की एनर्जी आप दे रहे हो तब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, हाइड्रोजन के केस में 10.9 दे रहे हो, यदि उसने उसको लिया तो फिर किया क्या उस एनर्जी का? पूछना चाहते हो ये सवाल कि नहीं पूछना चाहते? बोलो, पूछना चाहते हो कि नहीं पूछना चाहते? पूछना चाहते हो ना। इसके लिए प्लैंक ने एक शब्द यूज किया था, ऑसिलेटर। इसके लिए प्लैंक ने इलेक्ट्रॉन्स को ऑसिलेटर्स माना था, ठीक। और यही फिर रिलेट हो जाता है जे जे थॉम्सन के मॉडल से, क्योंकि जे जे थॉम्सन भी क्या बोलता था, सुनना क्या होगा कि मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो तुम लोग, ध्यान से सुन रहे हो? आया, मैं हूं इलेक्ट्रॉन। कौन है इलेक्ट्रॉन? मैं हूं इलेक्ट्रॉन। एनर्जी आई, मैं क्या करूंगा? झुम 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 झुम, मैं झूमना चालू करूंगा, मैं झूमना चालू करूंगा। और जब एनर्जी एक लेवल से ज्यादा होगी, मैं क्या करूंगा? एक्साइट होकर ऊपर के लेवल पे पहुंच जाऊंगा। और यदि वो एनर्जी एक लेवल से कम हुई तो मैं बस थोड़ा सा झूमूंगा और कुछ नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं ऊपर के लेवल पे नहीं जाऊंगा। बोलो बात क्लियर, बोलो बात क्लियर, चमक गया सबको, क्लियर थी बात? लेकिन इलेक्ट्रॉन ऊपर के लेवल पे नहीं जाएगा, ठीक। अब सुन, अब क्या हुआ, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, और ये क्या हुआ, रेडिश रेडिश कलर का, ये क्या हुआ, ये रेडिश कलर का हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको और थोड़ा बढ़ाया, मैंने 40 वोल्ट कर दिया, ये पीले कलर का हो गया। मैंने इसको 60 वोल्ट का कर दिया, ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा। और मैंने इसको 110 वोल्ट का कर दिया, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। जब ये व्हाइट कलर का हो गया, इसका मतलब ये है कि ये हर वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इवॉल्व कर रहा है, क्योंकि जो व्हाइट कलर दिखाई देता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम। हाँ ना, बोलना पड़ेगा यार, अच्छा पढ़ा रहा हूं, एक बात मैं आपसे बोल रहा हूं, सही बोल रहा? आप स्पेक्ट्रम जहां चाहो वहां देख लो बेटा, समझ रहे हो आप मेरी बात? क्लियर है बात? तो क्या हुआ, ये हुआ बच्चे कि जब आप 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट और 110 वोल्ट, करेक्ट है। इसीलिए मैं अभी तक आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं पढ़ाया, अब ये पढ़ा लिया, अब पढ़ा दूंगा।
20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 110 वोल्ट, इस पे आकर के व्हाइट लाइट आपको देना दिखाई दे जाएगी। मतलब हर मटेरियल एक लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक एनर्जी को ले रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, फिर जब नीचे आ रहा है तो वो वेवलेंथ को इवॉल्व कर रहा है और वो हमको कलर के रूप में दिखाई दे रहा है। जब किसी को आप एनर्जी देते हो तो वो आपको कलर के रूप में नहीं देती है दिखाई, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, जब वो नीचे आता है तो वो एनर्जी को इवॉल्व करता है और वो इवॉल्व एनर्जी हमको कलर के रूप में देती है दिखाई, यदि वो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल कर रही है उसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। बोलो हाउ, बोलो हाउ, क्लियर थी बात? तो जब अब आप सोचो जब आपको किसी ने बोला कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो क्या हमारे बच्चे इस बात को समझेंगे कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो दिख रहा है वो सॉलिड्स में दिख रहा है? और क्यों सॉलिड्स में दिख रहा है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? क्योंकि सॉलिड में अनंत नंबर ऑफ एटम्स हैं, अनंत नंबर ऑफ एटम्स हैं, अनंत नंबर ऑफ सिचुएशन बनेंगी जिसमें कि वो एनर्जी को लेकर के ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे की ओर जब आएगा तो वो अनंत एनर्जीज को इवॉल्व करेगा जो कि हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल हो रही हैं और हमें स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस देगा दिखाई, जैसा कि सन का स्पेक्ट्रम देता है दिखाई। कभी सन रेज का स्पेक्ट्रम बनाया है, कभी सन रेज का स्पेक्ट्रम बनाया है, अरे यार 9th, 10th, 5th, 6th क्लास में वो प्रिज्म दे देते हैं ना, प्रिज्म हम रखते हैं, आपने देखा होगा दूसरी तरफ कलर अपन को सारे दिखाई देते हैं स्कूल में, यार 10th क्लास तक ये काम करते हैं अपन, बनाया होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता यार, है ना? किसी हीटेड बल्ब से लाइट निकल रही हो, बल्ब से लाइट निकल रही हो, वहां पे आप देख लो वही स्पेक्ट्रम। अब आपका बल्ब तो 220 वोल्टेज पे जल रहा है, स्पेक्ट्रम बना लो आप, जब स्पेक्ट्रम बनाओगे तो आपको स्पेक्ट्रम कैसा दिखाई देगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देगा दिखाई। क्यों कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देगा दिखाई? क्योंकि क्योंकि हर वेवलेंथ इवॉल्व हो रही है। तो बेटा इमिशन स्पेक्ट्रम, दिस स्पेक्ट्रम इज सीन ड्यू टू एनर्जी इवॉल्व बाय इलेक्ट्रॉन्स कमिंग From upper level to lower level. In case of sunlight, heated objects, etc. bulbs at higher voltage almost every energy or wavelength belonging to visible spectrum is evolved. Therefore, their spectrum are कंटिन्यूअस, इसलिए इनके स्पेक्ट्रम कैसे होते बेटा? कंटिन्यूअस होते, देयरफॉर देयर स्पेक्ट्रम आर कंटिन्यूअस वेयर इज इन केस ऑफ gases
हेंस नंबर ऑफ एटम्स आर लेस देयरफॉर सेंस नंबर ऑफ एटम्स आर लेस देयरफॉर। अच्छा बेटा तुम लोग अपने नोट्स में एक काम कर सकते हो बेटा, आपने जिसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम लिखा है ना उसके ब्रैकेट में लिखो लाइन स्पेक्ट्रम। बेटा आपने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को आपने दो भाग में बांटा था, एटॉमिक और मॉलिकुलर। देखो नोट्स में देखो, नेट्स में देखो, है ना। तो एटॉमिक को एटॉमिक के बगल में लिखो लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक के बगल में लिखो लाइन स्पेक्ट्रम और मॉलिकुलर के बगल में लिखो बैंड स्पेक्ट्रम। मॉलिकुलर के बगल में लिखो बैंड, BAND बैंड स्पेक्ट्रम। लिख लिया सबने? सिंस नंबर ऑफ एटम्स आर लेस देयरफॉर दे विल इमिट लेसर एनर्जीज एंड देयर स्पेक्ट्रम विल बी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम विल बी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। चलो बच्चे इसको लिख लो फटाफट, देयर स्पेक्ट्रम विल बी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब आप इसको जल्दी लिख लो, बच्चों की रिक्वेस्ट थी के साथ थोड़ा टाइम दे दिया करो। स्क्रीन हैज रेड कलर सर, सन हैज रेड कलर सो। नहीं, सन का रेड कलर कहाँ होता है यार, कुछ भी, वो तो सुबह के समय हमको दिखाई देता है, लेकिन उसका रीजन अलग है यार। उसका रीजन वो फिजिक्स में आप पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या क्या होता है, उसकी वजह से दिखाई देता है, डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज, है ना। लेकिन नॉर्मली आप पूरा उगा हुआ सूरज जब देखोगे तो वो आपको कैसा दिखता है, उससे तो हर कलर की लाइट आती है ना। मतलब वो अपन को सारे कलर का मिक्सचर देता है दिखाई, कुछ व्हाइटिश टाइप का। मिटा दूं? मिटा दूं? हाँ। अब ये था स्पेक्ट्रम के बारे में, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अब जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है उसमें भी आपने दो एग्जांपल लिखे हैं, एक लिखा है एटॉमिक स्पेक्ट्रम और एक लिखा है आपने जिसको आपने लाइन स्पेक्ट्रम बोला है, और एक आपने बैंड स्पेक्ट्रम लिखा है जिसको मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम बोला है। बेटा मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम समझाना इस लेवल पे मुश्किल है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से वो रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी के कंपोनेंट होते हैं दो टाइप के, तीन टाइप के होते हैं इनफैक्ट। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन होता है, वाइब्रेशनल होता है, रोटेशनल होता है। अब ये सब चीजें आपने अभी नहीं पढ़ी हुई है, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे या फिजिक्स में पढ़ोगे थोड़े दिन बाद। तो मॉलिक्यूल्स में दो कंपोनेंट काम करते हैं, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी के कंपोनेंट में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण बैंड स्पेक्ट्रम देता है हमको दिखाई। पर इस समय उसको समझाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि तो आप अभी वो सब फिजिक्स जानते नहीं हो उससे रिलेटेड, है ना बेटा। मैं आपको बताता हूँ, है ना। अब दो स्पेक्ट्रम है बेटा आपके पास, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम आपने दो भाग में बांट दिया, इसमें बस इतना ही याद कर लो, काम बन जाएगा आपका। एक स्पेक्ट्रम मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ जो कि लाइन स्पेक्ट्रम है, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। यह है बैंड स्पेक्ट्रम जो कि होता है मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम। इसमें लोग बहुत मूर्ख बनाते हैं बच्चों को मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम में, अपने मन से थ्योरी समझा समझो के, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। बोल देते हैं दो एटम होते हैं, उनकी एनर्जीज लगभग समान टाइप की होती हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, जब नीचे आता है तो आपको एक बैंड दिखाई देता है, सब बकवास चीज है ना।
बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम, बस इतना याद रखना। बैंड स्पेक्ट्रम काहे में मिलता है? मॉलिक्यूल्स में मिलता है, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम। इट इज ड्यू टू चेंज इन बोथ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन ए मॉलिक्यूल। इससे ज्यादा अभी इस लेवल पे नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ एक लाइन लिख लो, इट इज ड्यू टू चेंज इन बोथ वाइब्रेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ना मॉलिक्यूल। समझ में नहीं आएगा लेकिन लिख लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये लेवल नहीं आया आपका कि आप इसको समझ पाओ, है ना। पर ना बताऊं उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस तो बताई देता हूँ, वैसे भी कोई पूछेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आया तो पूछेगा बैंड स्पेक्ट्रम काय में मिलता है, बोल देना मॉलिक्यूल में मिलता है, बस इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। और ज्यादा एग्जामिनर को यदि बहुत ही सुंदर नॉलेज हुआ ये पूछ लेना, इसके आगे जाने का सवाल नहीं होता है। ये हो बेटा इमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है इसमें क्या होता है, इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वी सी डार्क बैंड, डार्क बैंड्स। भाई सो क्यों ऐसा होता है? मान लो यू हैव सन एंड आपको दिख रहा है कि सनलाइट आ रही है, प्रिज्म पे पड़ रही है, कौन सा स्पेक्ट्रम देगा दिखाई? सनलाइट आके प्रिज्म पे पड़ेगी तो खाना बोलना पड़ेगा, कंटिन्यूअस दिखेगा बेटा, बोलो 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 बोलो, कंटिन्यूअस दिखेगा, बोलो 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 बोलो, दिखेगा, ठीक है ना। चलो ये बात अच्छी है कि आपने एक दो दिन से ग्रुप पे ज्यादा बात करना चालू किया है मुझसे और खुद से भी, है ना, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था आप लोग बातचीत ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी ग्रुप पे, ग्रुप एकदम डेड सा पड़ा हुआ है, वो गलत है, है ना। चलो अब मान ले बेटा मैंने बीच में यहाँ कॉपर सल्फेट लाके भर दिया, क्या भर दिया बेटा? कॉपर सल्फेट लाके बीच में भर दिया। अब क्या होगा बेटा, जब ये इधर से वेव्स निकलेंगी, जब ये इधर से वेव्स निकलेंगी तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन होता है। कौन सा कलर होता है? ब्लू ग्रीन कलर होता है, ठीक है बेटा। कौन सा कलर होता है? ब्लू ग्रीन कलर होता है कॉपर सल्फेट का, है। और ये रेड रेड ऑरेंज कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कॉपर सल्फेट हैज ब्लू ग्रीन कलर एंड इट एब्जॉर्ब्स ऑरेंज रेड लाइट, ऑरेंज रेड लाइट। ट्वेल्थ में जाके पढ़ाऊंगा, एक साथ टॉपिक नहीं खोलना चाहता कि ब्लू ग्रीन कलर दिखता है तो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होती है, विबग्योर से आ जाता है वो, है ना, लेकिन अभी नहीं पढ़ा रहा हूं उसको। पर बेटा यदि जब कॉपर सल्फेट से ये वाली लाइट निकलेगी तो एब्जॉर्ब कर लेगा ऑरेंज रेड लाइट, तो यहाँ स्पेक्ट्रम में अब जो स्पेक्ट्रम दिखाई देगा यहाँ पर ऑरेंज रेड कलर विल बी मिसिंग एंड ऑन इट्स प्लेस डार्क बैंड विल बी सीन। बोलो कुछ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा? कुछ पल्ले पड़ा? लाइट को क्रॉस किया आपने एक मीडियम से, मीडियम ने एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, मीडियम ने जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया वो आपको यहां स्पेक्ट्रम में नहीं देगी दिखाई, तो एब्जॉर्ब कर लिया इसके कारण आपको एक डार्क बैंड देगा दिखाई, जो लाइट थी उसकी जगह एक डार्क बैंड देगा दिखाई, तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो क्या सब लोगों को डार्क बैंड? बेटा लाइट नहीं दे रही दिखाई तो आपको डार्क बैंड देगा दिखाई, डार्क कलर ब्लैक कलर देगा वहां पर दिखाई, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, क्या सबको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है बात, इनिशियल स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? मैं तो शिफ्ट कर जाऊंगा पहले, हाँ ना तो बोल लो, क्लियर है ना? थोपो थोपो थोप लिया सबने, वेरी नाइस, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो आपको बैंड स्पेक्ट्रम भी समझ में आ गया जो इधर बताया,
लाइन स्पेक्ट्रम अभी बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, एब्जॉर्प्शन भी समझ में आ गया है ना। चलो इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। लाइन स्पेक्ट्रम को डिसकंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअस एनर्जी या लैम्डा नहीं मिलता है। बैंड स्पेक्ट्रम भी डिसकंटिन्यूअस है। ऐसा कुछ। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस में क्यों नहीं डिवाइड किया, किसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है बेटा, हो सकता है किसी ने लाइट को जब एब्जॉर्ब किया तो उसने सिर्फ यूवी लाइट को ही एब्जॉर्ब किया, तो आपको कंटिन्यूअस दिखाई दे जाएगा, है ना। अब किसी ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, मान लो बीच की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, बीच की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा, यदि बीच की लाइट को एब्जॉर्ब किया तो डिसकंटिन्यूअस दिख जाएगा, यदि एक कोने की लाइट को एब्जॉर्ब किया तो आपको कंटिन्यूअस दिख जाएगा। समझ रहे बात, लेकिन उसके डिटेल में जाके कोई फायदा नहीं है। जितना पढ़ाया उतना क्लियर है, जल्दी बोलो, जितना पढ़ाया उतना क्लियर है भाई। चलो बहुत बढ़िया, अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिटेल। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, अब क्या होता है कि सुनना, मान लो ये हाइड्रोजन एटम मेरे पास, दिस इज हाइड्रोजन एटम, करेक्ट। इसमें क्या हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे जा सकता है, या इस पे जा सकता है, या इस पे जा सकता है, या इस पे, ऐसे करके इनफाइनाइट लेवल हो सकता है। ठीक है, यदि फर्स्ट लेवल पे गया और नीचे आया तो जो लाइन इवॉल्व होगी, जो यहाँ वेवलेंथ इवॉल्व होगी, उसके लिए शब्द होता है अल्फा लाइन। सेकेंड लेवल पे गया और नीचे आया तो इसके लिए जो लाइन इवॉल्व होती है उसको बोलते हैं बीटा लाइन। गामा, डेल्टा एंड सो ऑन, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है ना। वैसे मुझे सही याद होगा, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते एकदम दिमाग में मेरे ये आ गया कि क्या मैंने ये सही लिखा कि नहीं लिखा। चलो सही लिखा है, ठीक है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, हाँ, और आखिरकार इस डेल्टा लाइन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन को अल्फा लाइन, अच्छा ये अल्फा लाइन है, इसके अलावा और भी अल्फा लाइन हो सकती है, बताएंगे क्या हो सकती है। ये सब मैं बोलूंगा दे आर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लेकिन खैर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, इसको मिटा देता हूं, फिर बाद में बताऊंगा, एक बार और इसको बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये अल्फा बीटा गामा और डेल्टा किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है। चलो अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से, इसको भी हटा देता हूं यहां से, टॉपिक आपने डाली लिया अपनी कॉपी पे। अब सोचो आप कि यदि इलेक्ट्रॉन मान लो ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन दी सैंपल, और देयर आर मेनी मेनी एटम्स प्रेजेंट इन दी सैंपल, और सभी में हमने माना कि इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट लेवल पे गया है, तो जब वो नीचे आएगा तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, कितने एटम है हमारे पास, खाना बोलना पड़ेगा, जल्दी से बोलो बेटा कितने एटम है हमारे पास, जल्दी बताओ कितने एटम है हमारे पास, बहुत सारे, कितने सारे, बहुत सारे एटम है हमारे पास, ठीक। अब उनमें यदि इलेक्ट्रॉन, उनमें अलग अलग लेवल पे इलेक्ट्रॉन जा सकता है, और उन अलग अलग लेवल से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो वो किस किस रूप में नीचे आ सकता है, ठीक है ना। देखो एक दो तीन,
ठीक, मान लो बेटा इधर से आ रहा है, इधर से इधर सीधा कूद सकता है, बोलो हाउ, कूद सकता है ना, फिर इधर से इधर कूद सकता है, इस लेवल से इस, ये 10वां लेवल है, दसवें से 9 पे आ सकता है और 9 से इधर डायरेक्ट आ सकता है, ये भी हो सकता है 10 से 8 पे कूदे और 8 से सीधा यहां कूद जाए, ये भी हो सकता है 10 से 7 पे कूदे और 7 से सीधा इधर कूद जाए, 10 से 6 पे कूदे और 6 से सीधा, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, एग्रीड? एग्रीड? हाँ ना, बोलना पड़ेगा जल्दी से, एग्रीड? ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहले 10वें से पहले पे कूद गया, या ये भी हो सकता है कि 10वें से 9 पे कूदा, आप बोलोगे सर 10 से 9 पे कूदा, उसका तो आपने लाइन बनाई नहीं, आगे चल के बना देंगे, टेंशन मत लो, ये समझ में आया? अब दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है, इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल पे आया, तो कैसे कैसे आ सकता है? इधर से कूद के डायरेक्ट सेकेंड लेवल पे आ सकता है, या 10 से 9 पे कूदा और 9 से दूसरे पे कूदा, या 10 से 7 पे कूद 8 पे कूदा और 8 से इधर कूदा, फिर 7 से कूदा, फिर 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, बोलो आओ, बोलो आओ, हो सकता है? हो सकता है, ये भी हो सकता है इधर से आए यूं 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 और यूं, ये भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, बताओ, बोलो 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 बोलो, दिख रहे हैं सारे लेवल? किसी भी लेवल से यदि फर्स्ट लेवल पे आया तो इस सीरीज की वेवलेंथ को बोलते हैं लाइमन सीरीज, किसी भी लेवल से फर्स्ट लेवल किसी भी लेवल से फर्स्ट लेवल पे आया तो लाइमन, किसी भी लेवल से सेकंड पे आया तो बाल्मर, किसी भी लेवल से थर्ड पे आया तो पाश्चन, किसी भी लेवल से यदि फोर्थ पे आया तो ब्रैकेट, किसी भी लेवल से यदि फिफ्थ पे आया तो प्रोफर्न, और किसी भी लेवल से सिक्स पे आया तो हम्फ्री। क्लियर है? अब टाइम हो गया है आज का, ये इनके नाम है, आज का टाइम हो गया है, कल इसको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना, और अच्छे से आपको आ जाएगा, और भी हो सकता है बेटा, मैंने वहां छोड़ दिया है, इसके आगे और भी हो सकता है, हाँ, ये लिखना है ना, क्यों नहीं लिखना, बिल्कुल टोपना है, बिल्कुल, अभी 1 मिनट बचा हुआ है, फटाफट टोप लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सुंदर सा डायग्राम बना के ले आना कल, यहीं से मैं चालू करूंगा फिर कल, ठीक है, आ जाएगा, हो जाएगा, हो गया, चलो आज के लिए विराम लेते हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और रिवीजन जरूर करते रहें, बाय बाय बच्चों, टाटा सी, बाय बेटा, बाय बेटा।